दोस्तों, न्यू इंडियन हाउस प्लान लेके आए हैं आप लोगों के लिए, जिसमें आपको मिलेगा बोरवेल, सेप्टिक टैंक एंड कलम पोजीशन। इसके साथ बिल्डिंग बनाने का खर्चा भी डिस्कस करने वाला हूँ। तो अभी आप अगर घर बनाने का सोच रहे हैं तो इस प्लान के माध्यम से आप जानकारी ले सकते हैं एंड इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने प्लॉट पर। तो दोस्तों, मैं हूं प्रणव चौधरी, सिविल पाठशाला में आप सभी को स्वागत है। इस प्लान का जो साइज़ रहेगा दोस्तों, ये 44 फीट बाई 39 फीट, जो कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। ओके दोस्तों, देखिए स्क्रीन पे रेड कलर का मैं यहाँ पे मेंशन किया हूँ, 44 फीट बाई 39 फीट। ओके, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर आप लोगों को 1, 2, 3, 4 बेडरूम मिलेगा, किचन एरिया भी मिलेगा सेपरेट, उसके साथ अलग से आपको बाहर जाने के लिए भी रास्ता मिलेगा, गैरेज मिलेगा, सीट आउट, ड्राइंग एरिया एंड पूजा रूम। तो सारा कुछ आपको यहाँ पे मिलने वाला है, तो वीडियो को अंत तक देखते रहिए दोस्तों। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को बताऊँगा कि मेन एंट्री पॉइंट हम लोग कहाँ पर रखे हैं। तो देख लीजिए दोस्तों, मेन एंट्री पॉइंट इस तरीके का होने वाला है। यहाँ पर हम लोग ग्राउंड लेवल से अप किए हैं प्लिंथ लेवल को 2 फीट, ठीक है। तो यहाँ पे मेन एंट्री आप यहाँ पे देख पाएंगे, मेन एंट्री के बाद ही आपको यहाँ पे सीट आउट मिलेगा 14 फीट 8 इंची बाई 6 फीट 8 इंची का बिग साइज़ का एक सीट आउट है। आप इवनिंग के टाइम आप यहाँ पे बैठ सकते हैं या आपके गेस्ट को भी यहाँ पे बिठा सकते, एरिया बड़ा है। ओके, नाउ यहाँ पे आपको एक गैरेज मिल रहा है दोस्तों, एक 4-व्हीलर आप आराम से पार्क कर सकते हैं 12.5 फीट बाई 12.5 फीट का। ओके दोस्तों, नाउ अभी हम लोग ड्राइंग एरिया में आएंगे। 4 फीट का एंट्री दिए हैं यहाँ पे, 4 फीट का एंट्री है यहाँ पे, यहाँ से एंटर करते हैं आपको ड्राइंग कम लिविंग एरिया मिलेगा 14 फीट 6 इंची बाई 11 फीट 6 इंची का। लेंथ हो जाएगा 14 फीट 6 इंची, विड्थ हो जाएगा 11 फीट 6 इंची एंड ये स्पेस तो अलग से आपको मिलेगा दोस्तों। ओके, नाउ यहाँ पे आपको एक छोटा सा पूजा रूम मिलेगा दोस्तों, 4 फीट बाई 4 फीट 9 इंची का। ओके दोस्तों, एंड ये जो प्लान रहेगा ये ईस्ट फेसिंग रहेगा, जो कि मैं वीडियो के पहले बताया नहीं, तो ईस्ट फेसिंग प्लान ये रहेगा। एंड किचन सेक्शन में आने के लिए आपको देखिए यहाँ पे स्टेयर सेक्शन में आना पड़ेगा। यहाँ पे एक डोर दिया गया है, 3 फीट का डोर प्रोवाइड किया गया है। डोर से एंट्री करते ही आपको यहाँ पे डबल एल शेप में स्टेयर मिलेगा, कुछ इस तरीके का, देखिए डबल एल शेप में स्टेयर आपको मिल जाएगा। नाउ यहाँ पे आपको एक टॉयलेट देखने को मिलेगा, स्टेयर के नीचे हम लोग एक टॉयलेट प्रोवाइड करेंगे, 7 फीट बाई 5 फीट का एक कॉमन टॉयलेट रहेगा दोस्तों। ओके, आप इसको अटैच भी कर सकते हैं इस बेडरूम के साथ। ओके, नाउ यहाँ पे हम लोग कॉमन रखे हैं। नाउ ये जो डोर देख रहे हैं 4 फीट का स्लाइडिंग डोर, इस डोर से हम लोग एंट्री करेंगे किचन सेक्शन में। किचन कम डाइनिंग रूम हम लोग इसको प्रोवाइड करेंगे, 14 फीट 2 इंची बाई 12 फीट 8 इंची का प्रोवाइड किया गया है किचन। प्रॉपर वेंटिलेशन किचन में रखा गया है ताकि किचन में अच्छा वेंटिलेशन हो एंड धूप भी अच्छा आए। एंड यहाँ पे एक 3 फीट का डोर प्रोवाइड किया गया है जो कि बाहर के लिए रहेगा। नाउ यहाँ पे एक बेडरूम है 12 फीट 8 इंची बाई 12 फीट 2 इंची का। सेकेंड बेडरूम आपको यहाँ पे मिलेगा 11 फीट बाई 12 फीट 2 इंची का। एक कॉमन टॉयलेट देखने को मिलेगा 5 फीट बाई 7 फीट 2 इंची का। एक बेडरूम मिलेगा 12 फीट बाई 12 फीट का एंड और एक बेडरूम मिलेगा 12 फीट 8 इंची बाई 12 फीट का। तो टोटल 4 बेडरूम आपको मिल रहा है बिग साइज़ का। नाउ आप यहाँ पे इसको एक बेडरूम को गेस्ट रूम भी कर सकते हैं। ओके, तो दोस्तों अभी हम लोग आएंगे इसका जो आउटर वॉल है वो कितना है, ठीक है दोस्तों। देखिए आउटर वॉल जो होता है, ये बाहर का जो वॉल होता है उसको हम लोग आउटर वॉल कहते हैं। तो आउटर वॉल रहेगा 10 इंची एंड इनर वॉल रहेगा 6 इंची। ओके दोस्तों, तो वॉल हो गया। अभी हम लोग इसका बोरवेल कहाँ पे प्रोवाइड करेंगे, देखिए दोस्तों बोरवेल नॉर्मली नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर पे किया जाता है, तो आप यहाँ पे बोरवेल प्रोवाइड कर सकते हैं। ओके, सेप्टिक टैंक कहाँ पे करेंगे, सेप्टिक टैंक हम लोग कोशिश करेंगे कि इस जगह पे हम लोग कर सकें, ठीक है। तो यहाँ से भी हम लोग इसको आराम से सेप्टिक टैंक को यूज़ कर सकते हैं, यहाँ से भी। तो प्रॉपर आप लोग इस पोजिशन पर सेप्टिक टैंक बनाएंगे। ओके दोस्तों, कलम पोजीशन देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे जितना ऑरेंज कलर का किया हुआ है यही है कलम पोजीशन, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। तो टोटल हम लोग यहाँ पे 16 पीस कलम प्रोवाइड करेंगे। नाउ हम लोग इसका कॉस्टिंग कितना रहेगा दोस्तों, कॉस्टिंग लगभग आपको इसका जो कॉस्टिंग आएगा, मिनिमम से मिनिमम अगर मैं बोल दूँ
तो इसका कॉस्टिंग लगभग टू लगभग 22 लाख से 25 लाख इसका खर्चा आ सकता है दोस्तों। ओके नाउ अभी हम लोग क्या करेंगे, ये जो प्लान है इस प्लान को अगर हम लोग के प्लॉट पे इम्प्लीमेंट करेंगे तो पहले तो इसका कलम पोजीशंस अच्छे से मार्क हो जाए। सेकंड क्या करेंगे, सेकंड आपको अच्छे से प्लिंथ बीम को डालना है, थर्ड हो गया कलम को डालना है एंड उसके बाद हम लोग धीरे धीरे काम चालू करेंगे। ओके एंड दूसरा जो बात है, दूसरा टाइप का जो बात है, आप अपना घर अगर बनाना चाहते हैं तो आप एक सिविल इंजीनियर से अपना प्लान ज़रूर बना ले ताकि आप लोगों को अच्छा जानकारी हो जाए उस आपके प्लॉट के ऊपर जो प्लान बनेगा उसके बारे में। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही था, अगर प्लान पसंद आया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके अपना प्यार दीजिए एंड कुछ नॉलेज आपको अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, वंदे मातरम।